विष्णु प्रबोध। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर महादेव जी उन दोनों से बोले, हे श्रेष्ठ देवो, सभी भय से छुड़ाने वाले मुझ महादेव को देखो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। तुम दोनों पूर्व काल में मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुए हो। ये जो लोकों के पितामह ब्रह्मा जी हैं, वे मेरे दाहिने भाग हैं तथा हृदय से उत्पन्न विश्वात्मा विष्णु मेरे बाएं भाग हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो आप वरदान मांगिए। इस प्रकार उनके कहने पर विष्णु भगवान ने उन कृपा के सागर लिंग में स्थित तथा लिंग से जो रहित है उन नारायण रूप महेश्वर को हाथ से स्पर्श किया और बोले, हे प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो कृपया आप हमें अपनी अव्यपचारिणी भक्ति प्रदान कीजिए तथा हे देव, हम दोनों में जो विवाद पैदा हो गया है, कृपया आप यहाँ उपस्थित हैं, हे नाथ, आप ही इस विवाद का शमन कीजिए। उनके वचनों को सुनकर भगवान शिव विष्णु से कहने लगे, हे वत्स, हे विष्णु, हे हरे, तुम इस सृष्टि की स्थिति, प्रलय और नाश करने वाले हो, परंतु तुम इस चराचर जगत का पालन कीजिए। हे विष्णु, मैं तो तुम ब्रह्मा, विष्णु, शिव नाम वाले देवों से सर्वथा भिन्न हूँ, सर्ग, स्थिति और प्रलय से परे हूँ। मैं तो परमेश्वर हूँ। हे विष्णु, हे पितामह, आगे जब पद्म नाम का कल्प होगा, तब तुम भी पद्म से उत्पन्न होकर मुझ महेश्वर को देखोगे। ऐसा कहकर भगवान स्वयं परमेश्वर वहाँ ही अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर इस संसार में लिंग पूजा की प्रतिष्ठा हुई। हे ऋषियों, लिंग वेदी जो महादेवी है तथा जो लिंग है वह साक्षात परमेश्वर ही है। सभी देवताओं का लय हो जाने पर ही लिंग शब्द बना है। जो कोई भी इस लिंग पुराण के आख्यान को पढ़ता है वह लिंग के समीप जाता है तथा हे ब्राह्मणों, वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।